दोस्तों आज हमारे पास है जीप शारो की 2001, 2002 एंड 99, ये सब सेम है। इसका जो क्रेन सेंसर है इसमें मसला है। इसका वायरिंग डायग्राम आज हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये क्रैंक हो रहा है और स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो हमने इसका क्रेन सेंसर खोला है और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इसका वायरिंग डायग्राम कैसा होता है। इसमें 3-3 का क्रेन सेंसर लगता है जो ट्रांसमिशन के साथ लगा होता है। तो ये इसका कनेक्टर है क्रेन सेंसर का। इसका जो पिन 1 है ये सिग्नल है, कंप्यूटर को सिग्नल जो जाता है। और इसका जो पिन 2 है ये ग्राउंड है, इसमें परमानेंट ग्राउंड होता है। और ये लास्ट पिन जो है ये 5 वोल्ट रेफरेंस है, इसमें कंप्यूटर से 5 वोल्ट ग्रांट आता है। तो हमने इसको चेक कैसे करना है कि गाड़ी का कंप्यूटर में मसला है या क्रेन सेंसर में मसला है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका इग्निशन स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद ये वाला वायर जो है, जो पहला वायर है ये सिग्नल का वायर है जो कंप्यूटर को बैकअप सिग्नल मिलता है। इसके बहुत से तरीके हैं चेक करने के। सबसे पहले हम लोग टेस्टर इग्निशन स्विच को ऑन करके टेस्टर को ग्राउंड पे लगाएंगे और इसके साथ स्लोली स्लोली टच करेंगे। अगर रिले का साउंड आता है तो इसका 100% तो ये रिले का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सेंसर ख़राब है और इसका जो क्रेंक सेंसर है वो ख़राब है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है और क्रेंक सेंसर का कोड आ रहा है, तो इस तरह आपने चेक करना है। बाकी जो दूसरा वायर है सेंटर वाला, ये ग्राउंड है, इसमें हमेशा ग्राउंड होना चाहिए। और जो लास्ट वाला वायर है उसमें 5 वोल्ट रेफरेंस होना चाहिए। तो टेस्टर टच करने से अगर इंजेक्टर एक्टिवेट होता है, रिले एक्टिवेट होता है, तो इसका कंप्यूटर सही है, इसका मतलब है। दूसरा तरीका क्या है चेक करने का, सेंसर को हम लोग कनेक्टर में फिक्स करते हैं, उसके बाद इसको कहीं भी मेटल के साथ इसको टच करते हैं बॉडी के साथ। अभी ये बिल्कुल काम कर रहा है सेंसर। अगर ख़राब सेंसर होगा तो ये काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये सेंसर मैंने यूज़ 1 लेकर आया है, तो इस तरह इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।